अंतरिक्ष यात्रियों का काम भले ही चुनौतियों और रोमांस से भरा होता है, लेकिन उनका जीवन इतना भी आसान नहीं होता है। अंतरिक्ष से लौटने के बाद भले ही वो सामान्य जीवन जीते हों, लेकिन उनके स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे शरीर पर माइक्रोग्रेविटी का असर क्या पड़ता है, इस पर एक रिसर्च की गई है, जिसका फोकस रक्त वाहिकाओं के आसपास की खाली जगह पर है, जिसका जाल हमारे पूरे दिमाग में फैला हुआ है। इनसे ऐसे चिंताजनक बदलावों के बारे में पता चलता है जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रह जाते हैं। अमेरिका के शोधकर्ताओं ने 6 महीने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले 15 अंतरिक्ष यात्रियों के दिमाग का MRI स्कैन किया। एक MRI अंतरिक्ष में जाने से पहले किया गया और दूसरा लौटने के बाद। इसके बाद दोनों की तुलना की गई। साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित हुए इस शोध के मुताबिक शोधकर्ताओं ने पेरिवैस्कुलर स्पेस का आकलन किया। ये दिमाग के टिश्यू के बीच पाया जाने वाला स्पेस होता है। आकलन करने पर पाया गया है कि अंतरिक्ष में बिताए गए वक्त में दिमाग की प्लबिंग का गहरा प्रभाव पड़ा है। ये असर पहली बार अंतरिक्ष जाने वाले एस्ट्रोनॉट से ज्यादा दिखाई दिया है। अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों में मिशन से पहले लिए गए 2 स्कैन के बाद में लिए गए 4 स्कैन में पेरिवैस्कुलर स्पेस के आकार में बहुत कम अंतर दिखाई दिया है। ऑर्गन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी के न्यूरोलॉजिस्ट जुआन पियोनिटिनो का कहना है कि अनुभवी अंतरिक्ष यात्री किसी तरह से होमोस्टैटिक तक पहुंच गए होंगे, जिसमें बायोफिजिकल सिस्टम बाहरी परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करते हुए स्थिरता बनाए रखता है। नतीजे बहुत ज्यादा हैरान करने वाले नहीं थे, क्योंकि पहले से ही पता है कि जब ग्रेविटी खत्म हो जाती है तो दिमाग पर कैसा असर पड़ता है। ब्रेन टिश्यू और उनकी द्रव की मात्रा पर किए गए शोध में पाया गया है कि उन्हें ठीक होने में समय लगता है। कुछ बदलाव साल भर या उससे भी ज्यादा समय तक बने रहते हैं। पियोनिटिनो का कहना है कि प्रकृति ने हमारे दिमाग को हमारे पैरों में नहीं रखा, इसमें सबसे ऊपर रखा है। एक बार जब आप गुरुत्व आकर्षण से हट जाते हैं तो ये मानव मनोविज्ञान पर असर डालता है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि माइक्रोग्रेविटी का हमारे दिमाग के आसपास के सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड के सर्कुलेशन पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।